अस्सलामुअलैकुम। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। आज का मेरा उन्वान मेहनत की अज़मत है। तारीख गवाह है कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं वो सब अपनी मेहनत के आदि थे। इन्होंने कुव्वत और मेहनत को अपना शार बनाया, लिहाजा अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में सख्त मेहनत को अपना शार बना लिया और अपनी हस्ती को अमर कर लिया। कुरान में अल्लाह का इरशाद है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सअ। जब तक इंसान मेहनत को अपना शार नहीं बनाता तो उसे कुछ हासिल नहीं होता। ज़फ़र अली ख़ान ने इसी आयत से यूँ इस्तफादा किया और फरमाया, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अब अपनी हालत को बदलने का। मेहनत ही ऐसा जज्बा है जिससे ना सिर्फ इंसान बल्कि माशरे और कौमें बनती हैं और आगे बढ़ती हैं। माशरे का हर फर्द, ख्वाह वो किसान हो या मामार, मुसन्निफ़ हो या शायर, फनकार हो या कारीगर, मालम हो या मुतल्लिम, अफसर हो या मजदूर, सब को अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करते हुए माशरे के लिए फ़ाल किरदार अदा करते हैं। काहली और सुस्ती अब मेहनत की ज़िद है, ये कभी कामयाबी को ज़ामिन नहीं हुआ करती। आम लोग मेहनत को तगो दो किए बगैर कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं, ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं, क्योंकि हमें अपनी मेहनत के बगैर कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। और ये लोग इस बात से बेखबर हैं कि कामयाबी के मनाजिल तक पहुँचने के लिए इन्हें मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। बाद औकात पर ऐसा भी है कि वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान मायूस हो जाए। मेहनत ही हमारे लिए ज़िंदगी बदलने का सबब है, इसलिए हमें भी मेहनत के साथ हर काम करना चाहिए। जब जज्बे जवान हो तो मंजिलें, जब जज्बे जवान हो तो मंजिलें खुदा आगे बढ़कर सलाम करती हैं। शुक्रिया।